को देखा है और वो सरकार लगातार अपनी फेल्योर को भी एडमिट कर रही है, उसी को लेकर ही आज प्रेस रखी है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद आदरणीय विजय गोयल जी हैं, हमारे मीडिया के प्रभारी प्रत्युष गढ़ जी और प्रवक्ता हरीश खुराना जी। मैं आदरणीय विजय गोयल जी से आग्रह करूँगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। मित्रों, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मान लिया है कि पिछले 5 साल के अंदर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब ने ये मान लिया है कि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने जो मुख्य काम थे उनमें से एक भी नहीं किया। उनके शब्दों में ही अगले 5 साल में आम आदमी पार्टी यमुना को साफ करेगी। इसका मतलब है 5 साल तक आप यमुना को साफ नहीं कर पाए। अगले 5 साल में हर घर में टोटी के माध्यम से 24 घंटे साफ पानी देंगे। इसका मतलब है इस साल में वो पानी नहीं दे पाए हैं और साफ पानी तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अगले 5 साल में दिल्ली को चमकाएंगे और साफ करेंगे और अगले 5 साल में प्रदूषण को भी कम करेंगे। तो दोस्तों, ये सीधा सीधी बात है कि जो बीजेपी कहती रही है 4 साल 9 महीने तक, तो वो यही कहते रहे मोदी जी हमको काम नहीं करने दे रहे, झूठ बोलते रहे और उन्होंने काम नहीं किए। दूसरी बात ये है, आज वो ये दावा करने लग गए हैं कि ये जो बिजली का बल्ब मैंने भर दिया है, बिजली का बिल उन्होंने अपने घर से भर दिया क्या? पैसा उनके उसका है क्या? और ये जनता के टैक्स का पैसा है अगर कोई भी वो सब्सिडी देते हैं। एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि भाई दिल्ली में उन्होंने विकास के काम किए, मैंने कहा क्या किए? कहने लगे सब्सिडी दी। ये विकास नहीं है किसी भी तरीके से जी। इसी तरीके से आधी दिल्ली में पानी आता नहीं है, जो आता है वो गंदा आता है। 21 शहरों में BIS के जो मानक हैं उसमें दिल्ली सबसे नीचे आई थी, यानी दिल्ली में सबसे गंदा पानी है। जानते हो 21 लाख मीटर में से 7 लाख मीटरों को दिल्ली जल बोर्ड ने ठीक नहीं कराया ताकि उनको 20,000 लीटर पानी देना ना पड़ जाए। अनाधिकृत कॉलोनियों में 50 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, वहां पर तो वैसे ही पानी नहीं आता है। तीसरा, ये जो पढ़ाई की बात करते हैं, पढ़ाई पहले भी फ्री थी, उन्होंने फ्री नहीं की है। पहले और अब में सिर्फ इतना फर्क पड़ा हुआ है, पहले के परिणामों रिजल्ट से अब रिजल्ट खराब हो गए हैं। 9वीं क्लास में ही 1,50,000 बच्चे पास हुए, 75,000 बच्चे फेल हो गए, ये RTI ने हमको बताया है। दूसरा, वो कहते हैं बीजेपी क्या मुफ्त योजनाओं के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी कहती है आपने ये मुफ्त योजना 2 महीने पहले क्यों दी? अगर देनी थी तो 5 साल पहले आप देते, चाहे वो बसों का हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा का हो, चाहे वो बिजली का हो, कुछ भी हो। चुनाव को देखते हुए वोट बैंक की राजनीति पर इन्होंने इन चीजों को किया। इनका जनता की समस्याओं से कोई भी वास्ता नहीं है। दूसरा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते हैं, विदेशी आते हैं तो हमसे पूछते हैं गोयल साहब, भारत देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी का ये हाल है कि पटरियों के अंदर, खोखे के अंदर डॉक्टर बिठाने पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि आपने एक नया अस्पताल नहीं खोला, क्योंकि आपके पास डिस्पेंसरियों के लिए क्या बिल्डिंग नहीं रही है? क्या आप यही चीजें अगर आपको करनी थी तो झुग्गी झोंपड़ियों में खोल सकते थे, अनाधिकृत कॉलोनियों में खेल सकते थे? आपने अपना चेहरा चमकाने के लिए सड़क के ऊपर पटरी में खोखे के अंदर डॉक्टर को बिठा दिया और खुद जिंदल में इलाज कराते हैं। गरीब आदमी को कहते हैं इस टूटे फूटे क्लिनिक से तू जाकर वहां पर दवाई ले ले। तो अरविंद केजरीवाल जी के जितने भी दावे हैं वो खोखले हैं और आरोप वो हम पे लगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है
ये जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे गैंग है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसके कन्हैया कामार और दूसरे लोगों के ऊपर जब वो प्रोसिक्यूशन के कुछ करने नहीं, प्रोसिक्यूट करने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है। ये भी दिल्ली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि शाहीन बाग या दूसरी जगह के ऊपर जिस तरीके से व्यवस्थाओं को ठप कर रखा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग दफ्तर में नहीं जा रहे हैं और दुकानें खुल नहीं पा रही हैं, और अब उसको इंदर लोग जामा मस्जिद ऐसी सब जगहों पर फैलाया जा रहा है, उसको लेकर 80% से ज्यादा जनता के अंदर गुस्सा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को समझ आ जाना चाहिए। थैंक यू। वृद्धा पेंशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, वृद्धा पेंशन बंद कर दिए गए हैं। जितने नए बुजुर्ग लोगों के उसकी पेंशन नहीं की जा रही, आज तो मैंने उनका जवाब दिया है, पर ऐसे 50 चीजें हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने काम बिल्कुल बंद कर दिया है। जो पार्टी भ्रष्टाचार दूर करने लिए आई थी, वो खुद भ्रष्ट हो गई और भ्रष्टाचार के अंदर फंस गई। ठीक है।